अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिनोस प्राइम किचन। आज हम बना रहे हैं अंडा मलाई करी और अंडा मलाई मसाला। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये सिंपल और ये डिलीशियस रेसिपी है, बड़ी आसानी से रेडी हो जाती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रहे इसके इंग्रेडिएंट्स और मैंने यहाँ 68 बॉइल्ड हार्ड बॉइल्ड एग्स लिए हैं। चलिए सबसे पहले हमने एक मसाला पेस्ट रेडी करना है, उसके लिए मैंने लिया है 3 प्याज हैं, 68 ग्रीन चिलीज हैं, ये है 10 से 15 काजू और एक स्मॉल बंच ऑफ कोथमीर। इसे डालकर हम एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब एक पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म कर लेंगे। उसे इसके बाद इस तरह से अंडे को हम इससे फोक की मदद से प्रिक कर लेंगे ताकि ये तेल में डालने के बाद उछल लेना। चलिए सभी एग्स को इस तरह से प्रिक कर कर हमें स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए एग्स हमारे अच्छे से स्लाइटली ब्राउन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। इसे हम निकाल कर साइड में रख लेंगे। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पैन में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑफ बटर और उसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ये अच्छे से बटर को अच्छे से मेल्ट करने के बाद अब इसमें हमने जो मसाला पेस्ट ऑनियन का पेस्ट रेडी किया था उसमें हम ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी डालकर अच्छे से भून लेंगे। अब इसे हमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ऐड करेंगे सॉल्ट, सॉल्ट अपन में टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर कर अब इसे हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑफ दही। दही डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ग्रेवी में से हमारा तेल ऑयल सेपरेट हो ना जाए। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसे हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। उसे डालने के बाद हम इसमें बॉइल्ड एग्स ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब इसमें हम 1 कप ऑफ वाटर ऐड करेंगे ताकि अच्छे से कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं वाटर। अब इसमें हम ऐड करेंगे यह है 4 टेबल स्पून ऑफ फ्रेश क्रीम और मलाई ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम डालेंगे चॉप कोथमीर यानी कोरिएंडर लीव्स, डालकर इसे ढककर हम एक 5 मिनट के लिए दम पे पका लेंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है, ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। ये हमारे अंडा मलाई करी इज़ रेडी टू सर्व। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।